फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो जो करेला है वो आप सुनते ही आपको कड़वाहट की याद आ जाएगी। लेकिन करेला आज हम जो ट्रिक में बनाएंगे वो आपको पूरी तरह कड़वाहट उसके हट जाएंगे और ये इतनी बढ़िया टेस्टी और डिलीशियस बनेगी, आप इसको एक बार देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बबीता न्यूट्रिशनिस्ट, वेलकम बैक टू बबी हेल्दी फूड जॉइंट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं करेले की एक बढ़िया रेसिपी जो हमारा गार्लिक मसाला भरवा करेला। ये रेसिपी इतनी बढ़िया बनेगी आज, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए तो आपको पता चलेगा ये रेसिपी कितनी बढ़िया है। आप पहले से लास्ट तक पूरे रेसिपी को देखेंगे, ट्रिक अप्लाई की हूँ, आपको पता चलेगा ये कितनी बेहतर तरीके से बनी है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए तो ये रेसिपी आप बनाने में आपको आसान होगी। आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपको पहले नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, तो आप मेरी सब वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम भरवा करेला बनाने के लिए 250 ग्राम करेले लिए हैं। पहले हम इसके जो छिलके हैं उसको निकाल देंगे, उसको हम फेंकेंगे नहीं। ये हमको जो मसाले तैयार करेंगे उसी से ये ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ऐसे ही आप उसके सारे छिलके निकाल दीजिए। करेला सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, जो लोगों को शुगर है उन लोगों के लिए ये करेला एक रामबाण औषधि के रूप में व्यवहार किया जाता है। मेरी चैनल पर भी करेले के रेसिपी है, जो करेले के पत्ते के रेसिपी है, करेले में क्या क्या फायदा है उसके लिए भी एक शॉर्ट्स है। ऐसे ही आप जाके मेरी चैनल पर दूसरे रेसिपी भी देख सकते हैं करेले के। देखिए अब हम ये करेले के सब छिलके निकाल दिए हैं और वो छिलके भी मसाले में लगाएंगे, इसके लिए उसको भी अलग इसको निकाल के रख दिए हैं। अब हम ये करेले के बीज से एक चीरा लगाएंगे और इसके जो बीज है उसको निकालेंगे। देखिए आप ऐसे चाकू से उसका बीज निकाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई चम्मच के पीछे से भी उसका बीज हटा सकते हैं। ऐसे ही हम सारे बीज अभी निकाल देंगे। देखिए अभी हम सारे करेले की ऐसे ही बीज निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और ये छिलके के ऊपर भी थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी नमक भी डाल देंगे और वो छिलके के ऊपर भी थोड़ी नमक डालेंगे। इसको ऐसे ही 10 मिनट ही रेस्ट करके रख लेंगे।
तो इसका जितना कड़वा पानी है वो सब निकल जाए। अब हम इसको 10 मिनट ऐसे ही रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये करेले से हम इसको इसका पानी निकाल देंगे। 10 मिनट हो गई है, अब हम इसको निचोड़ के उसका पानी निकाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम ये कढ़ाई में थोड़ी सी पानी डाल के ये करेला को हम 5 मिनट उबाल लेंगे। आप इसको बांप दे के भी निकाल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट उबाल देने से उसकी जो कड़वाहट है वो पानी में निकल जाएगी। ऐसे अब इसको हम ढक देंगे और अब हम हमारा मसाला तैयार करेंगे। देखिए 3 चम्मच खड़े धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना और उसमें खटाई के लिए 1 बड़े चम्मच हम आम का सूखा वाला जो आम का पाउडर आती है वही डालेंगे, जो आमचूर पाउडर है। अब हम इसमें 2 चम्मच नारियल का भूरा डालेंगे, 2 चम्मच सिंग दाने जो उसको हम छिलका उतार के रखे थे, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डालिए। अब हम ये सारे चीज को एक मिक्सी में पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, करेला को भरने के लिए उसका में मसाले पीस के निकल गई है। देखिए ये कितनी बढ़िया मसाला तैयार हो गई है। देखिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं और थोड़ी ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। देखिए ये इसको हम सरसों के तेल से बनाएंगे। हम ऐसे 2 चम्मच सरसों के तेल लिए हैं, 1/2 चम्मच हींग डाल देंगे। फिर हम इसमें ये जो करेला जो छिलके उसको रखे थे उसी को डाल देंगे। लहसुन 7 से 8 हम इसको कूट के रखे थे, इसको ऐसे ही डालेंगे। इससे ये जो करेला की जो स्टफिंग है इसका खुशबू बढ़िया आएगी। अब हम जो स्टफिंग बनाए थे करेले में जो मसाला डालने के लिए वो मसाला हम उसी में डालेंगे। आपको जितना मसाला चाहिए करेले के हिसाब से आप उतना मसाला डालिए, नहीं तो इसको आप स्टोर करके बाद में भी जो बैंगन की भरवा बनाएंगे कि भिंडी की जो भी बनाएंगे उससे भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसी में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। आप इसमें चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आमचूर का पाउडर दी थी तो इसके लिए मैं टमाटर नहीं डाली हूँ। आपको ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप ज़्यादा खटाई के चीज़ डाल सकते हैं। देखिए अभी ये मसाला बनके तैयार हो गई है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको
ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये ठंडी हो गई है, अब हम एक एक करके सभी में ये मसाला डाल देंगे। आप इसे दबा दबा के उसमें डालिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल 2 चम्मच डालेंगे, फिर इसको गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। अभी ये गर्म हो गई है, अब हम एक एक रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और एक एक के एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी बढ़िया मज़ेदार है ना, ये आप एक बार बनाएंगे तो आप ये कितनी बढ़िया टेस्टी है आपको पता चलेगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ी गार्निशिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बनके तैयार हो गई है, आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे एक बढ़िया कमेंट डालिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया टेस्टी रेसिपी जानने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।